हाय, दिस इज़ आमना। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग द हॉट रिव्यू, द वीकेंड एडिशन। हमारे पास आज 6 या 7 ड्रामे हैं और हमारे साथ एक बहुत ही गवाचे से हसन चौधरी भी हैं। हसन, गवाचा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्यों गवाचा? आप मुझे आज थोड़ा गवाचा गवाचा लगे। क्यों, आप बताएं। नहीं, मैं होश में हूँ, अभी तो शाम का टाइम है। ले जी, शाम के 6 बज रहे हैं। हसन ने आना था 5:30, पहुंचते उनको 6:45 हो गए। आते ही 5:38 आते ही उन्होंने कहा कि ओ, मुझे तो ख्याल नहीं रहा कि अब मगरिब की अजान 7:45 होती है, ना के 5:45। ये आपने कहा कि नहीं कहा? हाँ, मैंने कहा। उसके साथ क्योंकि मैं बड़ा एक लंबा अरसा लाहौर में गुजार के आया हूँ और जिस टाइम पे मैं लाहौर में था 6:45 मगरिब हो जाती थी वहां पे। तो एक महीना अगर आप किसी भी इंसान के दिमाग को ट्यून करें कि उसने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर काम करना है, तो उस फेज से बाहर आते आते थोड़ा टाइम लगता मुझे है। मुझे ऐसा फील्स क्यों हो रहा है कि आप घंटा पीछे और एक सीजन पीछे चल रहे हैं? घंटा पीछे तो समझ आ रहा है, लेकिन सीजन पीछे का क्या मतलब है? या फिर विंट्री कलर्स में चले गए हैं? आज ये भी विंट्री कलर है। आप ये बताएं कि हाँ, आपने मेरे साथ परसों एक इवेंट जो है वो अटेंड किया, सफेद पहन के। आयशा उमर का ब्यूटी प्रोडक्ट का लॉन्च था, आपने ये कमीज वहां क्यों ना पहनी? क्या मतलब? Why wouldn't you wear this shirt to that event? I found this shirt today. What do you say? I mean, I wouldn't have worn this shirt. अगर आप मुझे choice देती, नहीं जी नहीं, तो मैं white पहन। आप जो exactly, आप जो इतनी गवाची गांव बनते हैं ना, बड़ा मासूम बनने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मेरी wardrobe में क्या होता है, जो इकरा रख देती है वो मैं पहन लेता हूँ। इकरा नहीं रखती ऐसे, मैंने एक हमेशा कहा है कि इकरा actually doesn't actually bother with what I wear. जो 12 कमीजें लटकी होती हैं वो हाँ, मैं निकाल के पहली पहन लेता हूँ। हाँ, और बस मुझे पता ही नहीं है। लेकिन जब इन्होंने इवेंट पे जाना था तो ये घर गए, इन्होंने अपनी चेक वाली शर्ट बदली, वो जो एक आपको मैंने रिव्यू दिया था ना, 101 वाला टी-शर्ट पहनी हुई थी, टी-शर्ट चेक जो वो लाइब्रेरी के बच्चे वाली थी। और वहाँ घर जाके उन्होंने एक क्रिस्प वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, शूज निकाले और ऐसे अपने बाल शर्ट। तो आपको इतना आप तो पता है कि फैशनेबल क्या है और फैशनेबल नहीं है। आप ये कहना चाह रही हैं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आयशा उमर का इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैं ज्यादा अच्छा तैयार हुआ और हमारे व्यूअर्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं उनके लिए तैयार नहीं हुआ? अगर व्यूअर्स आपको नजर आ रहे हो तो आप जरूर तैयार हो, लेकिन आप अच्छा, उस इवेंट पे कोई 50-70 लोग होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 हज़ार व्यूज हमारी एक वीडियो के ऊपर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। तो आपको लगता नहीं है कि मैं आज ज्यादा एफर्ट पुट इन करके आया हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? जब आपने इन व्यूअर्स को मिलना होगा ना, मीट द व्यूअर्स वाले इवेंट पे, वहां आप जरूर तैयार होकर आएंगे। हसन, ज्यादा मैं आपको चापड़ूसियां ना करें, तो मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या जी। जब आपने मेरा ये कोड क्रैक किया था ना और मुझे मशवरा दिया था कि सॉलिड्स पहने हैं, ओनली सॉलिड्स, ओनली सॉलिड्स, उसके बाद से मैं शॉपिंग पे गया ही नहीं। तो मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक पूरा दिन डेडिकेट करूँ अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को और मैं जाऊँ और उस दिन मैं कोई 15-20 सॉलिड्स वाली शर्टें खरीद के ले आऊँ। आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। हाँ, आप चलिएगा मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। तो वो हम जाएंगे दोनों, तो वो हाँ, जब होगा तो वो मैं कर लूंगा। मैं मेरे दिमाग पे ये है, लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता तब तक आई हैव टू मेक डू विद व्हाट आई हैव इन माय। आप ये भी नहीं कर सकते कि वाइट शर्ट के ऊपर स्कार्फ बदल के ले? हाँ, मैं ये कर लूं। हाँ, या लिपस्टिक के साथ स्कार्फ को कर मैच करें। हाँ, वो भी नहीं कर ना, मेरी उतनी इनसाइट है फैशन के बारे में कि मैं अगर चाहूं भी तो ये नहीं। बड़ी है नहीं क्या स्कार्फ? स्कार्फ तो नहीं, लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा जी, अच्छा, कमिंग फ्रॉम यू इट इज इंडीड अ बिग कॉम्प्लीमेंट। I will take that as a compliment. अच्छा हसन, तो आज हमारे पास जो ड्रामे हैं उनमें एक घर में औलाद ने डाल दी अपने माँ बाप पे, उतार दी कयामत। आगे सोचनी हाँ। हाँ जी, तो एक घर की औलाद ने ढाल दी अपने माँ बाप पे कयामत। ठीक है जी। दुल्हन बनते बनते दिल कोई नाउम्मीद सा हो गया और हमारी बहन के रकीब से ने ऐसा डंक मारा कि सब कुछ के दोबारा क्यामत हो गई क्योंकि क्यामत की दो किस्त हो गई। एग्जैक्टली, गुड वन, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। तो लो जी, आमना ने मुझे तो लाजवाब कर ही दिया है, आप लोगों को भी
आई थिंक वो मैसेज चला गया होगा, रफीक अली टाइप शायरी आपको पेश बिल्कुल वैसे उससे बहुत अच्छी थी वैसे, उसकी बहुत अच्छी थी वैसे, नहीं आमना की बहुत अच्छी थी। अच्छा नहीं, तो वो आपको वो मैसेज पहुंच गया होगा जो ढके छुपे नॉट सो ढके छुपे अल्फाज में आमना ने आप तक पहुंचाया। हम आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइम ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे कि हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज स्टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि हम इतने अरसे से ये मेहनत कर रहे हैं कि हम 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएं, लेकिन आप लोग अभी भी बजिद हैं कि आप जब हम इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी आप में से कोई 100 में से एक बंदा ही उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करता है इस हमारी रिक्वेस्ट के बाद, तो प्लीज अब तो हम यकीन करें कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए मजे मजे की इंटरव्यूज और दीगर वीडियोज लेके आने के लिए। कल भी मैं भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, आमना भी करनी है, होपफुली इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर आपको बड़ी जबरदस्त वीडियोस देखने को मिलेंगी, बड़े इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि जब वो वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी अमल, तो हम दुल्हन से शुरू करें आज का रिव्यू। मैं अमल कब से हो गया, जब से आप मैं कोई ऐसे बैठा हूँ, जब से आपने इतनी को वाइनिंग शुरू की है कि सब्सक्राइब कर लें कर लें कर लें कर लें, काश मेरे पे भी दो दो मर्द डुल रहे होते ऐसे और 50 लाख रुपए निछावर हो रहे होते। दो दो मर्द हो नहीं नहीं आई टेक दैट बैक, मैंने आप लोगों को कहा था ना ये आज गवाह हाँ। बने हुए हैं हाँ। जी कुछ पिला पानी ठंडा पानी, अनफॉर्चुनेटली कांजी खत्म हो गई वरना मैं आपको एक ग्लास, ये कांजी के असरात तो नहीं है कि अभी नहीं हो सकते हसन, वो तीन दिन पहले का हॉट बाइट किया हुआ हाँ। अच्छा नहीं, दुल्हन से मैं कहूंगा कि हम औलाद से शुरू कर लेते हैं जरूर। आपने देखा, मैंने तो देखना छोड़ा हुआ है, और प्रेम गली हमने देखा नहीं, आमना ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा क्योंकि फायदा नहीं है। एक्चुअली मैंने जब वो सामने आई एपिसोड तो मैं डायरेक्ट आखिरी सीन पे पहुंचा, मैंने कहा स्किप करके देखूं क्या हो रहा है, तो हमजा और जो है लड़ रहे थे किसी बात पे, बेहतरीन रिव्यू किया आपने मैंने कहा बंद कर 100 मार्क्स। और मुझे ये शक पड़ा कि ये इसलिए अब लड़े होंगे हमजा, क्योंकि जोया लड़ी थी, हमजा जोया को मना रहा था या किसी को कह रहा था कि मेरी मदद करो, तो अब इसलिए शायद लड़े होंगे कि अब हमजा को ये पता चल गया होगा कि जोया ने उससे इस बात के लिए नहीं छुपाया था कि दादा की तबीयत खराब है, कोई और बात हुई होगी, तो अब हमजा उससे वही चल रहा है बेसिकली। अच्छा मुकाओ, चलो जी औलाद ब्रिलियंट रिव्यू, थैंक यू जी। माँ मुझको झुलाओ ना झूला। औलाद में भी वही चल रहा है जो के पिछली किस्त में चल रहा था, जो आपने देखी थी लास्ट एपिसोड, मैंने आपने वो बताया था, देखनी बंद कर दी है। औलाद में बेसिकली वही चल रहा है, माँ बाप जो हैं वो सब कुछ दे चुके हैं और अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक जो सेट निकाला था उनकी वालदा ने, ज़किया ने अलमारी में से अपनी दिखाया सबको कि जी मैंने रोशना की शादी के लिए रखा हुआ था, इसकी दादी ने दिया था, वो सेट जो है वो मुस्कान चुरा लेती है अलमारी में से। तो मेरा सवाल ऑफ कोर्स राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे ये है कि अलमारी में अगर ठीक ठाक कोई लग रहा था कि 10 एक तोले का सेट है, तो वो अलमारी लॉक क्यों नहीं थी? अगर सारे घर वाले बाहर जा रहे हैं और घर में सिर्फ मुस्कान और मोनी और एक दो लोग हैं जो भी है, नहीं भी हैं, व्हाई वुड यू लीव सच एन एक्सपेंसिव थिंग अनलॉक्ड? वो चुरा लेती है, कमरे से निकल रही होती है लेके, तो सामने मुनी खड़ी होती है, मुनी कहती है कि ओ ये तो रुशना का सेट है, तो वो कहती है मैं इसको ठीक करने के लेके जा रही हूँ, बताना किसी को नहीं वरना चोरी हो जाएगा। तो ये तो हमने पिछले एपिसोड में बात प्रोमो में था ना, प्रोमो में था, तो वही हुआ है बेसिकली, वही हुआ है बेसिकली। और ऑल हेल ब्रेक्स लूज और वो उस पर इल्जाम लगाते हैं, और बिलाल जो है वो हक्का बक्का होकर, बिलाल में कुछ अमल की रूह आ जाती है, वो भी वाइड एंड एंशियस दिखता रहता है जी बिल्कुल ऐसे। मुस्कान कहती है जी मैं घर जा रही हूँ, उसकी माँ भी आ जाती है, खूब उनको पीस पीस की उनकी घोट घोट के उनकी बेइज्जती करती है, और कहती है कि ये ना सोचना कि ये वापस नहीं आएगी, ये उसका घर है, ये अगर आप लेने ना आए 48 घंटे में तो ये वापस आएगी और फिर आप कोई कोई यहाँ नहीं रहेगा बिकॉज ये मुस्कान का घर है। तो बेसिकली ये थ्रेट देखी चलिए अगले एपिसोड के प्रोमो से, क्या आपने देखा कि यही होता रहेगा? मैंने देखा ही नहीं अगले एपिसोड का प्रोमो। अच्छा फिर जी मैं कहा मैं अपना अच्छा ब्रेक, आप मुझे पता है आपने ये बोला था कि आप मेरे दो इश्यूज हैं जी, मुझे पता है आप कुछ कहना चाहेंगे और आप शायद नहीं देखना चाहेंगे आइंदा, कि आप नहीं चाहेंगे कि मैं भी देखूं, मगर मेरे दो इश्यूज हैं एक चीज़ के साथ। मुस्कान को आपने दिखाया यार इतनी कोई द कैरेक्टर कम्प्लीटली नॉट द एक्टर, इतनी कोई मैनिपुलेटिव बिच है वो, कि वो शी इज़ नॉट स्टॉपिंग एट एनीथिंग। अगेन मेरा ये प्रॉब्लम है लिखने वालों के साथ कि एक कैरेक्टर को अगर आप हल्का सा भी ग्रे दिखाते हैं वो ग्रे नहीं रहता, डार्क ब्लैक बन जाता है, वो डार्क ब्लैक है। आई मीन हसन चोरी करना बहुत बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट अ समथिंग स्मॉल, ऐसा नहीं कि आप कोई ख्वाहिश कर रहे हैं या आपने यू आर बींग डिफिकल्ट, आपने चोरी की है यार अच्छी खासी, एंड इट्स ओके, शी इज ओके विद इट।
दूसरा है कि मरीना खान से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना क्लूलेस रोल निभाएंगी ऑफ ज़किया. शी आई मीन शी हैज़ नो रोल टू प्ले इन द व्हाई डोंट यू इंटरव्यू मरीना खान. आई वांट टू. आई हैव आस्क्ड हर फॉर एन इंटरव्यू. आई थिंक शी हैज़ बीन वेरी वेरी बिजी बिकॉज ये शूटिंग्स वगैरह में. आई वांट टू आस्क हर दैट आई मीन व्हाई वुड शी टेक अ रोल इन व्हिच शी हैज़ नो पार्टिसिपेशन इन एनीथिंग. इवन मोहम्मद अहमद साहब का भी सेंट्रल कैरेक्टर है लेकिन वो भी हाथ पांव फुला के बैठे हुए हैं. अगली हाँ अगली किस्म देखा है मैंने प्रोमो. वो सूटकेस लेके घर से बाहर निकल रहे हैं. अच्छा. सो मुस्कान विल ऑब्वियसली किक देम आउट एंड बिलाल विल डू नथिंग एंड अदनान विल बागबान एसेंशियली हु इज गोइंग टू सेव देम एंड रुशना. एंड आई हैव टू से वन मोर थिंग दैट सीन विद रुशना क्राइंग कि मैंने शादी नहीं करनी. आई विश यू हैड वॉच्ड इट. आई वांटेड टू आस्क यू वाज दैट लाइक ओटीटी और व्हाट. वो ऐसे को धाड़े मार मार के रो रही होती जैसे उसको कोई फिजिकली कोई वो छत से गिर गई हो. अच्छा मैंने कहना ये था आपसे जो मैं कह रहा था छोड़ दूं कि आपने ये कहा था कि आप जरूर इसको देखेंगी हर हफ्ते सिर्फ इसलिए ताकि आप इसकी जो पोर राइटिंग है उसके बारे में बात कर सकती रहे. तो अभी ये हैव यू मेड योर पॉइंट या यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू वाचिंग इट. आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट. इट्स अ रियली पैथेटिकली रिटन ड्रामा. इट्स रियली पॉली रिटन. ठीक है. आई वांट टू सेव यू फ्रॉम द ट्रबल ना. थैंक यू. बट इफ यू कंटिन्यू वांट टू वॉच इट. नहीं मैंने खुद से ही देखना शुरू किया था. 12 किस्तें हो गई हैं अभी तक कोई रिलीफ नहीं आ रही. देयर इज नो रिलीफ एट ऑल. और एक वो जो रब्बा करके एक साउंडट्रैक चल जाता है. सुर है वैसे आपकी. मैं आप वो कहना चाहती हूं आपकी आवाज में सुर है. मैंने देखा एक वो जरा सा भी होता है ना तो वो रब्बाश की अलाप शुरू हो जाता है. इट्स जस्ट ओवर ड्रामेटाइज्ड ओवर सेंसेशनलाइज्ड ऑन समथिंग दैट इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट जैसे कि आपने शुरू में कहा था एंड व्हिच इज व्हाई यू वर वाचिंग इट. आई डोंट वांट दिस मैसेज गोइंग आउट. ठीक है. विल सी के ऑडियंस का क्या फीडबैक आता है इस ड्रामे के ऊपर उसके बाद भले आप डिसाइड कर लीजिएगा. बट मैं तो नहीं कहूंगा कि आप देखें ऐसे अपने आप को टॉर्चर करें. ठीक है. स्पेशली वो ड्रामा जो आप शुरू से कह रही थी कि आपसे ही थी बकवास था बिल्कुल ओवरली ड्रामेटाइज्ड है और उसकी जरूरत नहीं थी. एनीवे मूविंग ऑन टू दुल्हन. जी मैं दुल्हन हूं. क्या मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या आप. मैं बिल्कुल नहीं साउंडट्रैक गाऊंगी. आज आप गा देना जरा. मेरी तो आवाज है ना. आप जब मैं तो हर बार गाता अगर मेरी आवाज अच्छी होती. गाए ना आप तो गाड़ी में तो बड़ा अच्छा गुनगुना रहे थे. कब एमी शासन क्या मैं बड़ा आपने सुर लेके गए आप. दुल्हन हूं तो किया ही नहीं. क्या मैं All apologies to Zeb Bangash who actually sung the OST. This is not going out for you. This is going out for the characters of drama serial Dulhan and the way the story has been written. We love Zeb Bangash. जी क्या मेरी हंसी छूट रही है बार बार. क्या मैं दुल्हन हूँ. Exactly. Very good. Very good. शाबाश हसन. आपने बहुत अच्छा गाया. जी वॉशिंग मशीन वॉज गोइंग राउंड एंड राउंड एंड मैं वो बड़ा डीप सीन था. यही अगर काशिफ निसार ने किया होता तो आप कहते कि ओह माय गॉड सो मच डेप्थ इन द सीन. अब आप हंस रहे हैं. तो उस सीन में अमल अमल क्या वो सर्फ थी जो डली हुई थी अंदर या कपड़े थी जो अमल अमल वो झाग थी जिसकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल ऐसे बुलबुले की तरह उड़ने वाली और गोल 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 गोल. यार ऑनेस्टली नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द एक्टर्स इन्वॉल्वड इन दिस ड्रामा. ऑनेस्टली मतलब हमारा कोई इस वक्त इरादा नहीं है कि हम कोई भी ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे किसी एक्टर की डिसरिस्पेक्ट हो. लेकिन आई डू वांट टू एड्रेस द राइटर एंड डायरेक्टर. द डायरेक्टर अदील आई हैव नोन हिम आल्सो. लाइक कम ऑन यार मिकाल सबसे पहले क्या है तलाक के कागजात प्रिपेयर करके अपने ससुराल. वहाँ पे उसने एनी के बाप के सामने कागजात रख दिए और उसने बोला है कि हेलो मैंने ये शादी सिर्फ इन पैसों के लिए की थी. आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर डॉटर. अगर आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो ये लो ये तलाकनामा है. जो कि मुझे समझ नहीं आई मुझे क्योंकि आई डोंट नो मुझे टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ का नहीं पता. तो वो साइन हुआ हुआ था तो उसकी तरफ से ऑलरेडी तलाक हो गई है नहीं हुई. उसने खाली साइन करना है क्या करना है मुझे नहीं पता. बहरहाल उसने वहाँ पर तलाकनामा रख दिया और बोला कि ये लो टाटा बाय बाय. और साथ में ये पॉइंट भी मार दिया एनी को और उसकी माँ को कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इन्होंने मेरी शादी इसलिए कराई कि मैं अच्छा हूँ मैं कोई अच्छा नहीं हूँ
ही जस्ट वॉन्टेड टू कीप हिज मनी विद इन द फैमिली. ठीक है, वन वुड थिंक इतनी सीरियस कॉन्वर्सेशन के बाद अब इन दोनों के बीच में जीना मरना खत्म हो गया, क्योंकि एनी की माँ ने मिकाल की माँ को फोन करके बोल भी दिया कि अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, सब कुछ टाटा बाय बाय, टाटा खत्म, सब कुछ फिनिश. मिकाल उस सीन के बाद डायरेक्ट अपनी गन लेके गया अमल की शादी के ऊपर, एन उसी मौके पे पहुंचा जहां पे अमल साइलेंस में वेट कर रही थी मिकाल के एक्चुअली पहुंच जाने का, बिकॉज उसको पता था कि मिकाल पहुंचेगा शादी में. ना सिर्फ मिकाल गन लेके पहुंचा, दो सेकंड बाद ही एनी के अब्बा भी वहां पे पहुंच गए. हालांकि अभी पिछले सीन में हमने देखा है कि वो जीने मरना खत्म सब कुछ कर करा के अपनी जीना मरने के बाद उन्हें कहा ना कि फॉलो मी, मैं आपको दिखाता हूँ वो कह रहा है. यही मैं कह रहा हूँ ना, तो जब ये बात खत्म होगी, उसने तलाक के कागजात आपकी बेटी के दे दिए, आप उसके कहने पे चले भी गए वहां पे, वो बात मुझे समझ में नहीं है. वहां पे वो पहुंचे, वहां पे अमल हमारी बहन उठ के कहती मैं तो ड्रामा कर रही थी, मैं तो कब, मौलवी साहब आपने देखा मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं तो आप जब पूछ रहे थे मैं खामोश थी ना. वाह अमल, वो स्मार्ट निकली है वैसे, क्या जीनियस है वो, स्मार्ट निकली है. अच्छा, उसके बाद पूरी सिचुएशन में वालिद साहब अपने बेटे को लेके चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो मैं देख लूंगा, और वो अपनी बीवी को पकड़ के उठा के ले आता है. इस पूरी चीज में अपसर्ड चीज क्या बताएं जरा, क्या अपसर्ड लगा आपको इसमें? और 50 लाख रुपया वो दे के चला गया है, 50 लाख रुपया उन्होंने अम्मा ने गिन के अपनी अलमारी में रख दिया. और ये कहा है नशाबा को कि 20 लाख मैं तुम्हारी शादी के लिए दूंगी और 20 लाख फलाना करूंगी, ये करूंगी, और नशाबा की नजर से पता चल रहा है कि इसने ये पैसे चुरा लेने. तो ये बताएं कि इसमें क्या अपसर्ड था, खामोश शमीर भी गया, हमें दिखाया गया कि 50 लाख कितना मुश्किल था उसके जमा करना, सब सो रियलिस्टिक जस्टिफाइड था. ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है आप बताएं. हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि मैं एक्चुअली राइटर और डायरेक्टर को एड्रेस करना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव देम अ थम्स अप, ग्रेट डायरेक्शन एंड ग्रेट राइटिंग, थॉरली एंजॉयड. ओके, नाउ डू यू वांट टू से व्हाट यू एक्चुअली वांट. इन ऑल सीरियसनेस दो, आई डू वांट टू से वन थिंग, जो उन्होंने अमल से सवालात उठवाए, जो मेरी कंटेंशन रही है दुल्हन को लेके, सो जेन्युइनली वेल डन ऑन दैट, कि अमल ने उसको बार बार ये बोला कि मैं भूलूंगी, जो मैंने बोला कि हम नहीं भूलेंगे, तो अमल ने बोला तो वेल डन, दैट इज एक्चुअली दैट वाज द सेविंग ग्रेस. जो मुझे ये लग रहा था कि शायद वो अब मिकाल को कम्प्लीटली एक हीरो बना के, उसका मियां बना के, जो कि अभी भी लग रहा है कि शायद इवेंचुअली यही हो, लेकिन अगर वो कंक्लूजन नहीं होती ना, ऑब्स्टेकल्स काफी थे बीच में, इट वाजंट इजी, इट वाजंट इजी, बट अभी भी फिर अमल को जिस तरह वो दिखा रहे हैं, वो उनको उसी तरह उसको फिर दिखा, अगर ये कंक्लूड होता है जब कभी इंशाल्लाह, तो फिर कंक्लूजन उसकी नहीं, कंक्लूजन अब देखें ना किस तरफ जा रहा है ड्रामा. वही बात है कि व्हाट, वेयर इज इट गोइंग. नशाबा इज गोइंग टू रन अवे विद ऑल द मनी, शी इज गोइंग टू रन अवे विद हर बॉयफ्रेंड. ठीक है जी, ये हमें अगले एपिसोड के प्रोमो से नजर आ गया है. अमल जो है वो शमीर से तो उसका निकाह नहीं हो रहा, तलाक उसकी हो गई है, वो साइन करती है नहीं करती, वी डोंट नो. वी फील दैट जो मिकाल उसकी माँ को भी पता चल गया है, पूरी फैमिली नहीं, अमल की तो तलाक नहीं होगी ना, ऑब्वियसली अमल की तलाक नहीं होगी. मिकाल के दोनों ससुराल को भी और माँ को भी पता चल गया कि हुआ क्या था, किस एक्सटेंट तक उनको पता चलता है, व्हाट डिड दे डू, वी डोंट नो. आई जस्ट वांट टू से दैट टू रॉन्ग्स डोंट नेसेसरली मेक अ राइट. एवरी कैरेक्टर इज सो रॉन्ग इन ड्रामा सीरियल दुल्हन, बिकॉज आप देखें मिकाल जो है बेसिकली उसने वाकई अपनी शेयर्स के लिए एनी बिचारी को आगे लगाया, उससे शादी की, वो गलत था. ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि जी एनी के जो वालिद साहब हैं उन्होंने उसकी शादी की ताकि शेयर्स फैमिली में रहें, वो गलत है. मिकाल और शामिर ने जो पूरा कुछ किया वो गलत है. एवरीथिंग इज जस्ट रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग. जो वो उसके बाद कह रहे थे ना, ये दोनों ही इस खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते, आप भी नहीं बन सकते अंकल, अगर आपने ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया, बिल्कुल आपने भी तो यही किया. सिर्फ एक कैरेक्टर पिस रहा है, वो एनी है. अच्छा, तो पिसी जा रही है. एक और आपकी बात से भी मुझे, मिकाल जो ये कह रहा है कि मेरे से वो गलती हो गई थी, तो अमल कहती गलती नहीं गुनाह, हाँ मेरे से गुनाह हुआ था, मेरे से जुर्म हुआ था, उसने एक्नॉलेज किया. तो अब जो तुम एनी के साथ कर रहे हो रिफॉर्म होने के बाद, वो क्या है अब जो वो एनी के साथ कर रहा है, तो सेल्फिश बिहेवियर है. नहीं, सीमिंगली तो वो रिफॉर्म हो गया ना, अब वो बुरा मिकाल नहीं रहा, अब वो अच्छा मिकाल हो गया. तो तुम एक औरत के लिए अभी एक और औरत का घर उसी तरह उजाड़ रहे हो जैसे तुमने अमल का उजाड़ा. exactly, तुम्हारा वो एग्जीक्यूशन में फर्क था, वो तुमने तरीके वारदात वो अलग था, लेकिन ये भी तुम एनी के साथ अच्छा तो नहीं कर रहे ना. एनी का क्या कसूर है बेचारी का? बिल्कुल. And he's done absolutely nothing wrong. Nothing wrong, yeah.
तुमने उसको शादी वाली रात जब उसने अमल ने उसको बोला, स्टैंड लिया कि जी ये मेरा हस्बैंड है, तुम अगर इतने नोबल थे, अब तुम इतने रिफॉर्म हो गए हो कि तुम अब अमल के लिए स्टैंड ले रहे हो। लेकिन एनी बेचारी का ये प्रॉब्लम है कि एनी के वालिद साहब भी उतने ही सिनिस्टर, वो भी पैसे नहीं दे रहे। एनी का क्या, एनी का क्या कसूर है? तो इसका मतलब है कि जो आप ये बता रहे हैं कि मिकाल हैज नाउ चेंज्ड, दैट ही हैज बिकम अ गुड पर्सन नाउ एंड ही रिग्रेट्स कि उसने जो अपनी गलतियां की, जो गुनाह किए, जो जुर्म किए, जिसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसके ऊपर उसको रिग्रेट है, रिमोर्स है, तो फिर वो एनी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? वो एनी के साथ इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये सब मिलके मुझे मेरा हक नहीं दे रहे, और वो कह रहा है कि एनी के हाथ में क्या है। हाँ, बट वो एक औरत जिसकी उसने जिंदगी बर्बाद की, उसको इंसाफ उसके दिमाग में देने के लिए एक और औरत की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड एंड दैट इज पुअर राइटिंग जी। If that's the point, poor writing, if weak character है. Weak character. So if I say poor writing, if that's the point you want to make, कि Mikal has now reformed. I think that is the point. That then Mikal has not reformed. Not reformed. No. Two wrongs don't make a right. नहीं. Is exactly what exactly. you said. Exactly. हर बंदा wrong कर रहा है ना? चाचा जी भी, ताया जी भी रॉन्ग कर, माँ भी रॉन्ग कर रही है, मामू भी रॉन्ग कर रहे हैं, माँ ने भी, अमल की माँ भी रॉन्ग कर रही है, अमल की माँ रॉन्ग कर रही है, नौशाबा रॉन्ग कर रही है। ने अपनी माँ को कहा था मैंने शादी नहीं करनी, शी सेड नहीं तुम्हें शेयर्स के लिए करनी पड़ेगी। हर बंदा रॉन्ग कर रहा है, हर बंदा मैनिपुलेटिव है, हर बंदा यू नो स्कीमिंग कर रहा है। मेबी इट्स जस्ट द वर्ल्ड, जैसे एक दूसरे को मिल लेते हैं इसी एक जगह से दूसरी जगह, छोटी दुनिया इनकी है, इसी तरह वो इसमें हर बंदा ही ऐसा है, ग्रे है, ग्रे बॉर्डरलाइन नेगेटिव, अनफॉर्चुनेट। मूविंग ऑन हमने कौन सा ड्रामा देखा? कयामत की तरफ चले, कयामत की तरफ चलते हैं राजी, क्यों नहीं। कुछ कुछ मज़ा आना शुरू हुआ है, मगर नॉट इनफ आई हैव टू से। एक तो ये कि जो दो किस्तों में से पहली किस्त जो थी उसमें आधी किस्त उन्होंने वही चीज़ें करने में ज़ाया कर दी कि जवाद जो है वो रो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, जवाद हर घर के हर सोफे पे बैठ के गिटार बजा चुका है, रो चुका है, हर चीज़ कर चुका है। तुसी मैनू ऐ दसो, फिर भी जो जी उन्हें जाना सी जर्मनी 2 साल वास्ते, नहीं गया, किधर गया जर्मनी? हाले हफ्ता नहीं गुजरा ना। अच्छा, हफ्ता नहीं हुआ? नहीं, हफ्ते बाद जाना सी उन्हें। अच्छा, 2 हफ्ते बाद जाना था, 1-2 हफ्ते बाद जाना। अच्छा। नहीं हुआ ना अभी, उदे जो ब्रेक ले रहा है, दफ्तर भी नहीं जा रहा, नहीं। इतना करियर ओरिएंटेड गाय ज्यादा है ना। अच्छा, उन्हें क्या ना, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, दुकान पे जा रहा है, दुकान पे वो चला गया। उसने प्रेफर किया कि मैं दुकान पे नहीं चला जाऊँ जी, तो दफ्तर खत्म हो गया क्या अब, क्योंकि जर्मनी जाना है। हाँ, उसमें तो दफ्तर या लोकल ऑफिस में काम नहीं है, नहीं, जब तक ट्रेनिंग हो नहीं जाती उसको प्रमोशन नहीं मिलती। ठीक है, लॉजिकल लॉजिकल क्या लॉजिकल, यही लॉजिक है ना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आई हैव टू से दैट नरगिस मैम, नरगिस मैडम, नहीं क्या कहना चाहिए उनको, नरगिस जी जो है, शी हैज टू बी द वर्स्ट पॉसिबल मदर इन द हिस्ट्री ऑफ मदर्स एवर रिटन। अच्छा, आई वांटेड टू डिस्कस दिस विद यू एंड आई वाज वेरी डिस्टर्बड। व्हाई आर दे डिमोनाइजिंग अ मदर दिस टाइम? एग्जैक्टली, व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? एक अच्छा, एक रिश्ता रह गया यार, उसकी भी आपने नास मार देनी, क्यों? मतलब आप ये कहते हैं कि चलो जी सास बुरी है, अपनी बहू के साथ बुरी है, मगर इन खातून का तो कोई दीन माने नहीं है, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है यार। आपको नजर आ रहा है आपका बेटा इस औरत से मोहब्बत करता है, आपने उनकी तुड़वा के और कर रहे हैं, यू सी ही इज मिजरेबल, और आप उनको नमक पे, जख्म पे नमक डाली जा रही है, नहीं तुम ही चलो मेरे साथ फलानी चीज देने नहीं, और वो शादी वाला जोड़ा क्यों नहीं पहन लेती जो तुम, वही तुमने उसके लिए, आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट, व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ मदर वुड डू दैट? अ मदर रिटन बाय समबडी हु, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, आई डोंट वांट टू से समथिंग बैड। Why would you demonize a mother like that? I mean, मैं कह रही हूँ कि यार ये कैसी माँ है? But आपने ये writing है ना, creative liberty, writer की मर्जी, वो जो मर्जी लिखे, आपको क्या problem है? ये है वैसे वैसे है, unique है वैसे। आपको problem क्या है? Characters ना दिखाएं, बुरे characters ना दिखाएं, बुरी माँ नहीं होती दुनिया में, ना दिखाएं बुरी माँ। हसन, मैं आपको चपेट एक मारूंगी अगर आपने ये और कंटिन्यू किया अपना रिवर्स साइकोलॉजी, प्लीज सीधे होके इंसान बन जाए। नहीं, आई डोंट लाइक द वे द मदर हैज बीन, आई मीन इट वाज टू मच यार। सास, एज अ सास आप बुरी हो सकती हैं, एज अ बीवी आपकी ऊंच नीच हो सकती है, एज अ मदर आप इतना क्यों डिमोनाइज कर रहे हैं यार? माँ तो वो रिश्ता है, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। ये ऐसी माँ है जो कह रही है कि ये भी खराब, एंड फॉर नो अपेरेंट रीजन कि तुम वही जोड़ा क्यों नहीं पहना जो जवाद के साथ लिया था, जवाद ही साथ चले जनाब, पैसे क्या जेवर देने या कपड़े देने या व्हाटएवर करने। अच्छा, एक चीज मैं क्यों इन ऑल सीरियसनेस कहना चाहूंगा, ये जो आप देवर भाभी के रिलेशनशिप को, अब ये जो ऑड सा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ना, कि इस
एपिसोड में भी हमने देखा कि वो उसके कमरे में चली गई, क्योंकि दोस्त उसको भिगा के बेचते हैं ना। नहीं, इस एपिसोड में नीलम इफ्रा गई तो ना उसके कमरे में, ठीक है, फॉर व्हाटएवर रीजन। फिर डंक में आपने यही सीन देखा कि उसमें वो जाती है अमल हैदर के कमरे में। मुझे ये दोनों सीन्स दोनों ड्रामे में ऑड लगे। क्यों भाई? मुझे पता है कि इसमें भी इनकी हिस्ट्री है, उसमें भी उनकी हिस्ट्री है, बट अब तो चेंज हो गई ना डायनामिक यार। Why must you even go into that territory? कि जब आप दिखा रहे हैं कि अब ये गई है उस रूम में, अब उसका मियां शक करेगा अपनी बीवी के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, टीवी के ऊपर यार, मतलब कोई तो कहीं तो लाइन ड्रॉ कर दिया करें यार, कि इसको हम नहीं छेड़ते इस चीज को। Why must you do it? Same with in Dunk also. Why did they have to? And why must you do it unless you're showing it? या तो दिखाएं फिर, या तो दिखाएं कि असल में चल रहा है भाई, इफ्रा और जवाद का अफेयर नहीं चल रहा है, एवी ये चस्का हाँ। डालने के लिए बीच हाँ। में कि यार कि ये डाल देते हैं बीच में, या तो गट्स हैं तो पूरा दिखाएं फिर, या तो दिखाओ, तो नहीं दिखाना तो ऐसे ही मतलब एक एवी बीच में सेंसेशनलाइज करने के लिए सेटिंग ऐसी क्रिएट, बंद दरवाजा, दरवाजे खुले रहने दो। उसमें भी गई सना का कैरेक्टर जब गया अमल, दरवाजा बंद तक, इसमें भी गई दरवाजा बंद। Why couldn't they have met in a kitchen? Yeah. Why couldn't they have met in the lounge? Why couldn't they have met in the lawn? Both of them, in both cases. Why must you send the woman into the room? Why? ताकि कोई शक करे उसपे। ताकि कोई शक करे, एवी एक sensationalize हो। और देखिए वो जब है, हाँ कि अच्छा ये दोनों लड़का लड़की अब एक कमरे में है, उसकी शादी होगी है, उसके भाई के साथ उसकी शादी हुई है, दोनों ड्रामों में एवी, एवी बस शुरलिया। मगर क्यामत में कंटिन्यूइंग ऑन दैट नोट, बहुत चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। नरगिस का कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक है, ऐसी माएँ आई डोंट नो क्यों दिखा रहे हैं। अगेन आपने बिल्कुल पिन पॉइंट से किया है कि ये पूरा सीन कमरे में जा रही है वो प्रॉब्लमैटिक। सेकेंडली जब वो सो रहा होता है राशिद, और बड़ी उस पर सॉफ्ट लाइट डलती है कि राशिद जो है रिफॉर्म हो गया है, और फिर जब इफ्रा पे फोकस जाता है तो हवा चलनी शुरू होती है, और ऐसे में लेकिन वो मुस्कुरा के राशिद को नहीं बच्ची को देख रही होती है अपनी, जो कि उसी बेड पे लेटी हुई होती है पीछे राशिद, मगर ऐसी नजरों से तो बच्ची, क्योंकि मैंने भी पहले ये देखा, फिर जब वो बाहर से होके आती है मुड़ के, जब जवाद के बारी भी मुस्कुराहट आती है और हवाएं चलती है तो वो वापिस आती है तो कमरे में आके कट टू यू सी के द बेटी इज लाइंग देयर, तो वो जो स्माइल आई थी वो उन्होंने फूल किया हमें, कि राशिद को देख के नहीं आई थी, वो बेटी को देख के। मगर वो स्माइल ऐसी नहीं है जो आप बच्चे को देते हैं, वो स्माइल वो फिर आप नीलम से पूछेंगे, स्माइल जरा सी फिर जालिम नजरों से या डायरेक्टर से पूछें। लेकिन खैर जितना भी ड्रैग किया हर चीज, वहां से मजा आना शुरू हुआ जब आप देख रहे हैं कि इफ्रा जो है वो पूरा पूरा जवाब, मुझे हाथ मत लगाओ, क्या मजा आया उसमें आपको? नहीं मजा नहीं कि उनको भी अपने गेटिंग अ डोज ऑफ देयर ओन मेडिसिन, वो मजा आ रहा था। नहीं मुझे कोई खास अभी अभी हाँ, तक लेकिन तो, ऐसा नहीं कि आप कहें कि ओह वेल डन, बड़ा वेरी गुड, नहीं मुझे वो वाला ऐसा सच मजा नहीं आया। नहीं अब राशिद प्लेड बाय एसन, बट वेल डन एसन, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, व्हेन ही कम्स टू द रूम ही लॉक्स द डोर, मतलब ऑब्वियसली उसका कोई दीन ईमान नहीं है, वो परी हो या समरा हो या इफ्रा हो जो भी हो, वो मतलब चलती फिरती चीज। आप तो कहते हैं कि निकाह हो जाता जब एक दफा, तो फिर इफ्रा में तो नहीं आई ताकत अभी तक निकाह की। निकाह के सर्कमस्टांसेस भी कुछ चीज होते हैं यार, ऑब्वियसली निकाह में बहुत ताकत होती है, नो डाउट है, नो डाउट। अब ये फिरेगी ना इफ्रा, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही देगा? हाँ जी ऐसे थोड़ी होता है ना, हाँ तो इवेंचुअली उसने भी फिरना है ना। उसकी अम्मा ने भी कह दिया, बाय द वे आपको लूडो की गेम कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, मैं कहती हूँ हाईलाइट ऑफ द एपिसोड था, लूडो हो रही थी वहाँ पे। It's all over the place. It's अच्छा वो कहती है, वो कहता है, कहती है कि मैं शुक्रिया अदा करना था कि तुम गए उधर, तो कहता है शुक्रिया किस बात का यार, मेरे चाचा और चाची तो मेरा उनका, कहती किस रिश्ते से, कह तो रहा है उनकी चाचा और चाची बोला जो है तो किस रिश्ते से, क्या वो आगे से कहता है रिश्तेदारों को देखते रिश्तों को नहीं देखते, तो रिश्तेदार रिश्तेदार क्या आपका रिश्ता नहीं होता क्या मतलब किस रिश्ते से, वो कह रहा है मेरे चाचा, क्या मतलब तुम शुक्रिया मेरे चाचा और सगे चाचा चाची उसके सगा हाँ, चाचा और सगा चाची किस रिश्ते से, कह रहा क्या मतलब किस रिश्ते से हाँ। रिश्तेदार भी तो यार, तो मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझे समझ नहीं आई, या ये राइटर क्या क्या है? राइटिंग है क्या है, कौन से मतलब ये कॉम्प्लेक्स राइटिंग है, अरुस्तु ने लगता है ऐसे कि ये लाइनें लिखी। ट्रिविया वाज दैट उसका जो गले का सेट था शादी का इफ्रा का, वो बड़ा अच्छा अलाइन था उसके गले के डिजाइन के साथ, वो भी वी था और वो भी वी था, बहुत अच्छा था। टीके की मुझे समझ नहीं आई,
कि जब आप इतना महंगा जोड़ा दिखा रहे हैं, ये आप अमल की बात तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं इफ्रा की बात कर रही हूँ. शी इज वेयरिंग सच एन एक्सपेंसिव गले का सेट, मगर जो उसने टीका लगाया हुआ है वो शीशे वाला है, नकली. व्हाई वुड यू डू दैट? व्हाई वुड यू डू दैट? सोचने की बात है. अच्छा, वो जो मैं पिछली बार भी कह रहा था, इसमें भी जब वो कॉन्वर्सेशन और ये मेकअप, आंखें बनी सजी धजी, लिपस्टिक सब तैयार होके, शी इज क्राइंग. मुझे गुले राना जी की वो बात याद आ गई मेरे इंटरव्यू में, जो उन्होंने कहा कि हमारे ड्रामों में लड़कियां सुबह सो के उठती हैं, पहले तैयार होती हैं, मस्कारा लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, फिर कहती हैं आओ मनु मारो. हां मैं मारो, सही बात है. मार खाड़ तो पहले तैयार होनी है ना चंगी तरह. गहरी बात. तो ये भी रोने से पहले प्रॉपर तैयार हुई है कि अब मैंने रोना जाके. बुरी ना लगो ना रोते हुए, ऐसा ना हो कि मैं बुरी लगूं. मगर आपका मेहंदी वाले सीन का क्या ख्याल था? कौन सा मेहंदी वाला? जो उस लड़की ने गलती से राशिद के बजाय जवाद का नाम उसके. ब्यूटीफुल, एक गहरी राइटिंग थी वैसे. गहरी खूबसूरत सीन, ये मिट भी ना सके. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यार, एक्सेप्शनली वेल एग्जीक्यूटेड सीन है ना. क्या मैं कहूँ, यही है, दैट इज इट. ठीक है, तो बस मेरे ख्याल में फिर बस करते हैं क्यामत के बारे में. और क्या, क्यामत ने तो क्यामत ही बर्पा कर दी हमारे दिमागों के ऊपर. आप लोग बताएं ना, आप लोग चुप हैं आज, क्यों नहीं आप लोग शेयर कर रहे कुछ? आप लोग चुप बताएं, अपना कमेंट से हमें बताएं, अपने फीडबैक से, कि आप, हम पागल हैं जो हम इन ड्रामों के फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहे हैं, या वाकई में ये फ्लॉज हैं जो आपको भी नजर आ रहे हैं, या ये सिर्फ हम आज मूड अच्छा नहीं है, जैसे आमना ने कहा कि हम आज शायद खाया पिया सही से नहीं है, इस वजह से. नहीं, मैंने कहा आपका है, या मैं जो हूँ, हम कोई नाजायज बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे टू बी फेयर व्यूअर्स बहुत देर से कह रहे हैं कि प्लीज स्टॉप रिव्यूइंग. What do we watch? We've already come down to 5 dramas per episode. We used to review 7-8 dramas per episode. अब हम 5 पे आ गए per episode. हाँ, so, पर हमारी episode. 14 drama in a week. ठीक है. Skip after. Cute. Skip to. Although we spend a lot of time. After on it, 20 minute cute review. To watch. Dunk. बिकॉज या डंक सेम जो मैं अभी वो सीन का कह रहा था. लोगों ने पिछली बार बड़ा इतराज किया हमारे डंक के रिव्यू के ऊपर. लोगों ने कहा कि आमना और हसन आपको डंक समझ नहीं आया, डंक आप लोगों के लिए नहीं बना, आप लोगों का दिमाग इतने अभी इवॉल्व नहीं हुए कि आप लोग डंक को समझ पाए. तो डंक को मैं नहीं समझ पा रहा, आमना आप भी नहीं समझ पा रही. मुझे ये एपिसोड स्ट्रांग लगा वैसे, जो पिछले 2-3 एपिसोड में मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी ना, मुझे इसमें लगा कि शुक्र है इट्स गॉन बैक टू द केस. एक चीज, इट्स नॉट गॉन बैक टू द केस येट. इट्स बोथ थिंग्स, बट इट्स शी सेड दैट आई डोंट वांट टू परसू द केस. एंड शी सेड के तुम चाहे मुझे कमजोर समझो या सेल्फिश समझो या जो भी समझो, वो समझ आ रही है उसने क्यों कहा है. मेरे लिए दिस इज द एंड. यस, ठीक है. पिछली बार हमें लोगों ने कहा कि आप बेवकूफ हैं, आपको तो पता ही नहीं है. अब होगा, बिलाल जाएगा और वो केस के क्लिक करेगा, क्योंकि शायद वो कर भी दे. शायद अब इस एपिसोड में नहीं करे, शायद अगले एपिसोड में कर ले, शायद तीसरे एपिसोड में कर ले. बट द पॉइंट इज, वे टू मच टाइम इज बीइंग स्पेंट. एंड अगेन आई अंडरस्टैंड एंड आई रियलाइज दैट इट इज अ ड्रामा, और हर एपिसोड कुछ एक हद तक स्टोरी को अनफोल्ड करता है, और स्टोरी को अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है. बट ये स्टोरी उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है जाने के लिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रोफेसर हुमायूं के इल्जाम को हटाने के ऊपर कोई बात होगी. अभी तक अगले एपिसोड प्रो के प्रोमो से अब जो ऐसा हमें लग रहा है कि अमल हैदर का रिश्ता अपनी फ्रेंड के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रही है, मिनाल की तरफ जा रही है स्टोरी. तो अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएटली इन द नियर फ्यूचर अगले 1-2 किस्तों में हम देखेंगे कि प्रोफेसर हुमायूं के लिए इंसाफ ले जाने की बात हो रही है. ग्रेजुअली जा रहा है उस तरफ, बिकॉज एक तो जो आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में जाएगा आमना, तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना, फिर तो बात नहीं बनेगी. दूसरा, आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, एंड आई कैन स्पीक ऑन आमनाज़ बिहाफ एज वेल, बिकॉज मुझे पता है कि हम दोनों के कहने का मकसद क्या था उस वक्त, कि हम अमल के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि अमल और हैदर ने जो किया, इट इज अंडरस्टैंडेबल, इट इज अंडरस्टैंडेबल. और ये कहना कि जस्टिफाइड थे, ये दो अलग अलग चीजें हैं. हम सिर्फ कैरेक्टर ट्रेट्स की और कैरेक्टर एवोल्यूशन की बात करते हुए ये कह रहे थे कि अमल ने जो किया वो समझ में आता है. हम ये नहीं कह रहे थे कि अमल ने जो किया वो सही किया. अमल ने जो किया वो समझ में आता है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए. हैदर ने जो किया वो समझ में मुझे नहीं आ रहा था. आमना ने कहा कि उसके कैरेक्टर का हिस्सा, बहुत सारे लोगों ने कहा
कि हैदर ऐसे ही दिखाया, उसने पहले भी अमल के लिए इसी जज्बे के तहत स्टैंड ले लिया था, विच गोज ऑन टू शो कि हैदर हैज ऑलवेज बीन वेरी एथिकल. फेयर पॉइंट, आई कंसीड दैट्स अ गुड पॉइंट, कि यार कि जब से आपने ड्रामा देखना शुरू किया आपने तो पहले किस से ये देखा कि हैदर ने एक सच्चाई के लिए जो उसको लगा कि सच्चा वाक्य है, उसने किसी की परवाह नहीं की और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस औरत का साथ दूंगा. तो ठीक है, वो उस तरीके से आप अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे तो आप ये समझ सकते हैं कि हैदर जो है वो इज अ वेरी अपराइट इंडिविजुअल, दैट्स फेयर. बट हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आप हैदर ने जो किया उसको उसकी सजा मिलते हुए ना दिखाएं, या अमल ने जो किया उसकी सजा मिलते हुए ना दिखाएं. कैरेक्टर के ट्रेट को समझना और उसको इन लाइन रख के उसके एक्शन को समझना वो एक अलग बात है, और उसके एक्शन को जस्टिफाई करना कम्प्लीटली अलग बात है. हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं की. Would you agree? इतना बड़ा लेक्चर तो वाह है. Would you agree? Yeah, absolutely. I absolutely agree. Amal has come across as an extremely dark character, extremely grey. जब वो कह रही होती कि प्रोफेसर तो मर गया, लिपस्टिक लगा रही होती, she is not at all affected by the. She has no empathy. She has no empathy. She has no remorse. She has no like nothing. कोई उसको regret नहीं है, कोई remorse नहीं, कुछ नहीं है. तो मतलब है. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो वो आई है कह के मैंने हैदर के लिए मैंने ये सब कुछ किया है ताकि वो घर में वापस आ सके और मैं वो मेरे करीब, मैं उसे करीब हो सकूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स ऑल वेरी ट्विस्टेड. नहीं, आप एक और सबसे इंटरेस्टिंग देखें, एंड वेल डन सना जावेद हूज प्लेड दिस कैरेक्टर, प्लेड इट वेरी वेल. आप एक छोटा सा सीन था गाड़ी में, हाँ, जो वो उसको कहती है मुझे गाड़ी चलाना ही है, सिखाओ. She is trying to normalize her relationship with him, yeah. even though she doesn't love that guy. No. उसके लिए कोई emotion, कोई feeling कतरे बराबर भी नहीं है. But फिर भी she is putting on an act as if she doesn't care about these little things, कि मैं किसी की बीवी हूँ और मुझे अगर उसको please करना है और इसको रिश्ते को चलाना है, she'll just do it. Yeah. उसकी जिंदगी का दिमाग का एक ही focus है, वो है हैदर. और कुछ नहीं. और उसको और कुछ matter नहीं करता. उसको नहीं फर्क पड़ता. Writer उसको absorb ना कर दे ना जो उसने हरकत की है उससे. वो बात है. नहीं, ऑब्वियसली ये स्टोरी ही है सारी. exactly. ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमल को उसको इंसाफ ना मिले प्रोफेसर हुमायूं को. अगर उसको कोर्ट केस की सूरत में नहीं भी दिखाते, मेरा नहीं ख्याल कि अमल का अंजाम ये होगा कि शी विल हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद दिस बॉय. क्या नाम है? सफीर. जो वो कहती है कि मैं अपने आप को, मैंने इतनी बड़ी सजा दी है इससे बड़ा, तो सफीर बेचारा अच्छा बनना है, कोई राशिद से तो नहीं उसकी शादी हुई, कितनी बड़ी सजा. अल्टीमेटली उससे भी वो सही हो जाएगी. जाती तौर पे मैं इन सजाओं में बिलीव नहीं करता. जस्ट बिकॉज समबडी लव्ड समबडी एंड नाउ दैट पर्सन इज नॉट विद दैट पर्सन, तो इसका मतलब है ये सजा है. मेरे ख्याल में प्यार, मोहब्बत, इस तरह के जो जज्बात होते हैं वो ओवर टाइम हील हो जाते हैं और इंसान मूव ऑन कर जाता है और उसको दूसरे लोगों से प्यार मोहब्बत हो जाती है. सो ये कैन लगता एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं. नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई एक गहरा एक वो है फलसफाना एक जो. मेरे ख्याल से पहली मोहब्बत जो होती है वो भी बचपन की मोहब्बत जो होती है उसको भूलना और आगे चलना बहुत मुश्किल होता है. और अगर आपको किसी और के साथ बांध दिया जाए while you're in love with somebody else, वो सजा ही होती है मेरे ख्याल. Over a period of time, I said, over a period of time. आपने कहा निकाह में बहुत ताकत है. तो यही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर सफीर के साथ जब निकाह हो गया तो ताकत उसकी असर अंदोज होगी ना फिर. जब unless that person is a complete jerk which is man not, or woman which he's not, which Safir is a good boy. That's what I'm saying. Exactly. What's wrong? Good looking boy, अच्छा बच्चा, माँ बाप का दुलारा, बिल्कुल. सब कुछ है, पैसा सब है, प्यार भी करता है, ख्याल भी रखेगा. तो what, where is the problem? But I like Amal. Sure. I like Amal. Although this is a problematic statement, I like Amal. I like the way the character has been created. No, it's completely fine if you like a dark character. I don't like the fact, obviously, who would like somebody who's such a big liar ki aap kisi ki zindagi tabah kar rahe ho. Obviously, she's a dark character. I like the fact that she's not whining. She's not whining, she's not crying. Wo ye nahi keh rahi, main mar gayi, main lut gayi, meri zindagi barbaad ho gayi. Ek scene mein usne kiya hai, Heather ke saath, usko samajh aa gayi ki Heather has gone cold turkey, usne kaha, okay, fine. And she stepped back and she said, मैं सफीर से शादी करूंगी. And she's come back and she's delivered that speech about मैंने अपने आप को, मैं रोज मरूंगी. But she's doing everything with clear, crystal clear clarity. Isn't your comment glorifying or glamorizing an evil person? No. Why not? This is the way evil person has been written. Even if you're, even if she's evil, she's not helpless. I'm so sick of seeing helpless women on television. इतनी ज़्यादा डोज हमें हेल्पलेस वुमेन की मिलती है दैट आई एम जस्ट ग्लैड कि एक ईवल कैरेक्टर है, उसको सजा भी मिलेगी अपने जुर्म की, मगर हेल्पलेस नहीं है वो. बड़ा क्लियर कट विजन है कि मैंने ये करना है, इसलिए करना है. अपने ताया जान को भी, वो चचा को, ताया को भी कहती है कि मैं इसलिए आप, मैं लेके आऊँगी, मैं आई एम हियर बिकॉज ऑफ हैदर.
मैं रिश्ते बनाने आई हूँ, खराब नहीं करने आई. आई मीन हर विजन इज वेरी क्लियर. Go back to our video on the portrayal of women in Pakistani dramas. If I may speak so on Amna's behalf, this is a correct portrayal of an empowered woman. And what we discussed in that hot bites also, it is okay to show an empowered woman as an evil person. Yeah, she's that's completely fine. Exactly. Nobody, and again, I want to reiterate, hum koi justify nahi kare Amal ke actions ko. Amal ke actions bahut galat hain. उसके एक्शंस की उसको सजा मिलनी चाहिए. उसने जुर्म किया, उसने बहुत गलत किया, उसने एथिकली अदरवाइज लीगली बहुत गलत काम किया, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए. बट शी इज एन एम्पावर्ड वुमन, शी इज एब्सोल्युटली एम्पावर्ड. वो सही कर रही है, गलत कर रही है, वो खुद कर रही है, वो उसको कोई लीड ऑन नहीं करा. हाँ, वो उसकी बहन कहती ना कि तुमने जो किया है वो मेरे से सब एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहती है मेरे लिए कोई नहीं था, तुम्हारे लिए मैं हूँ, डोंट वरी, यू वोंट गो थ्रू इट. शी सॉर्टेड. आपको लगता नहीं कि सना जो है वो जिसने इतने अच्छे प्यारे रोल सारी जिंदगी किए हैं, शायद कभी नेगेटिव भी किया हो, लेकिन यहाँ तो उसने शी इज लाइक चिलिंग. Very effective. ये अच्छे एक्टर की एक निशानी होती है ना कि जब उनको मार्जिन मिले तो उस मार्जिन का वो फायदा उठाएं और फिर अच्छे तरीके के साथ उस मार्जिन में डिलीवर करें. डिलीवर करें. तो she's delivered it. And the same goes for Bilal Abbas. I mean the way he's delivered Heather. I could feel his pain, his turmoil. जब वो जाता है सायरा के घर घना से मिलने, वो कहता है मैं मिल सकता हूँ उसको, एंड अब तो अब सायरा बेफूफी की है सायरा ने. सायरा should have prepared the child. कि the man wants to meet you. वो एकदम आता है, वो बच्ची डर जाती है. Very powerful scene. देखें, excellent performance by Bilal, no doubt about it. Excellent performance by that little kid Iman. Dramatic scene. Excellent performance by Yasra as well. But my only contention is, फिर शायद लोग इस पे offense ले जाएं, but मैंने Bilal के ये बहुत सारे scenes अब देख लिए हैं, dunk में. तो वो जो repetition होती है ना, जो even though this was a new situation जिसमें वो Iman से मिलने गया है, वो पहले Iman से नहीं मिला, बट आपने पहले फिर उसको इतनी बार दिखा दिया रिग्रेट करते हुए, इतना रोते हुए, इतना वो सब करते, फिर Iman से मिला, फिर दोबारा उसको फ्लैशबैक चाहे, फिर वो बैठा हुआ, फिर वो रो रहा है, फिर उसके आंसू निकल रहे हैं, तो वो एक्टर के साथ ज्यादती होती है यार. बिकॉज एज अ व्यूअर मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए वो टीडियस हो जाता है, मैं फिर स्किप कर देता हूँ. मैं कहता हूँ यार, आई हैव सीन दीज एक्सप्रेशंस, आई हैव सीन हिम रिएक्ट दिस वे, नाउ इट्स बिकमिंग कंबर्सम, आई वांट टू मूव. बट मे बी व्हाट्स नॉट कंबर्सम इज समथिंग टू थिंक अबाउट इज द पेरेंट्स रिएक्शन, द फादर्स रिएक्शन टू हेदर. शुरू में तो सही था, जब उसने शादी से इनकार किया उस वक्त उनकी बहुत जिल्लत हुई, भाई के साथ शादी में बेइज्जती हुई, फैमिली में एम्बैरेसमेंट हुई, ऑल ऑफ दैट इज़ फाइन. कुछ दिनों तक भी अब्बा जो है वो नाराज़ रहे, वो भी सही है. अब जो वो कॉन्स्टेंटली उनके बीच में जो मुँह मारी हो रही है, यहाँ तक कि वो कहते हैं मेरे सामने मत आया करो, लीव द हाउस, चले जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, मुझे ये बहुत अनरियल लग रहा है. अच्छा, मैं इस पर उनको ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा कितना डिप्रेस्ड है. आई मीन वो लिटरली रो रहा है घर में बैठ के, ना माँ ये सोच रही ना बाप ये सोच रहा है कि यार शादी से इसने क्यों इनकार किया. एक दो दफा पूछा होगा, बट नोबडी इज काइंड ऑफ ऑन हिज केस के व्हाट्स रॉन्ग विद यू. बता नहीं रहा ना, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बताऊंगा. यार फिर भी लोग पूछते नहीं है. नहीं, उन्होंने बहुत पूछा, उन्होंने बहुत पूछा, उसने नहीं बताया. पूछते क्यों नहीं जा रहे, जब हर चीज बाकी रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट होनी चाहिए कि वो पूछ रहे हैं या वो परेशान है या हमें कोई इंडिकेशन दे दें दैट दे आर वरीड अबाउट. वो एज पेरेंट्स उनको पता है. ये मुझे बात इतनी ऑड नहीं लगती, ऑल्सो बिकॉज इस बार जब वो आते हैं टेबल पर बैठा होता है तो आ जाते हैं और वो उसके साथ थिंग्स नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना टाइम आप एक्सपेक्ट करते हो कि पेरेंट्स को लगता ही है. जैसे ही वो उठ के जाने लगता है तो वो कहते हैं क्यों, कहाँ जा रहे हो, अब क्या हुआ. मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था कि अच्छा ठीक है बैठो, अब हम आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती कर लेंगे वापस. कहता आपने तो कहा था सामने ना हो, तो उन्होंने कहा मैं तो और भी बहुत सारी चीजें की थी, ये वो ब्ला ब्ला. उस पर जब वो रिएक्ट करता है ना कि मुझे उसका ताना ना मारे, तो देन ही लूज लाइक क्या मतलब ताना ना मारे, उनको क्या पता कि असल स्टोरी क्या है. तो इस वजह से आई थिंक दैट वॉज ओके. मेरे से मत पूछे, मुझे नहीं करनी, एंड मैं नहीं बताऊंगा. और वो उसने ये प्रेफर किया कि वो घर छोड़ के चला जाए. मैं नहीं, क्या करें फिर उसको, मैं नहीं बताऊंगा. ये नहीं की कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मीन से कोई बात तो है. आई वुड बी क्यूरियस यू नो एज अ पेरेंट. उन्होंने बहुत कोशिश की बट उसने नहीं बताया. ठीक है, It did move a little bit, but it still hasn't moved in the direction that we hope we so. We need to see and when Mayu's name cleared, yes. Which you will see in the last episode. Yes, when we said that it is going off track, I stand by that statement. It is going off track because we were expecting it to become
अबाउट सायरा'स स्ट्रगल इन गेटिंग प्रोफेसर हुमायूं'स नेम क्लियर. दिस वॉज आर एक्सपेक्टेशन. सो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पे एक चीज नहीं जा रही तो हमारे हिसाब से वो ऑफ ट्रैक होगी, आपके हिसाब से नहीं हुई तो जबरदस्त, कोई बात नहीं. ठीक है जी. जी मूविंग ऑन टू रकीब से. जी रकीब से I see by your silence that you expect me to. Ji, I always expect you to take the lead. Why? I greatly appreciate your insight and right critique on dramas. So of course the story is moving along in the same poetic lyrical manner that it started out with, and we are seeing characters evolve thoda thoda karke. We are seeing, I think, bahut important tha is cheez mein dynamic dekhna Sakina ka with her husband Rafiq Ali. इस पूरी एपिसोड में नजर आया कि देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी जो हमारे अंदर इनग्रेन हुई होती हैं कि हम कुछ भी कर लें हम नॉर्म को तोड़ने की वो नहीं रखते स्ट्रेंथ हिम्मत नहीं रखते. अब सकीना 20 साल से मार खा रही है, बुरा उसका हाल है, घर छोड़ के वो आ गई है, रोना उसका बंद नहीं हो रहा, तलाक वो फिर भी शी इज़ नॉट रेडी, शी इज़ बीइंग पुश्ड इनटू इट, यू नो कि तलाक इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स ईजी टू हर. सो ऑल दीज नॉर्म्स देयर आर difficult to break. The same goes for Hajra and Maqsood sahab. Norm break karne ki taakat Maqsood sahab mein nahi hai. Main ye soch raha tha ki jaise humne ghisi piti mohabbat ke time pe kaha tha, that was an excellent commentary on social issues. Yeah. Rakib se is at the same in the same genre that it is an excellent commentary on the social issues ki aapko awareness create kari ki is tarah hota hai society mein aur saath saath aapko dikha rahi hai ki is tarah hota hai. तो इस तरह होना क्यों गलत होता है, क्यों गलत होता है. अब मुनाफिक कितने होते हैं लोग आपकी ज़िंदगी में. अब आप रफ़ीक अली को देख लें, वो फल लेके आया है गांव से, 5 मुर्गियां लेके आया है, लेकिन FIR भी उसने कटवाई है, FIR भी उसने कटवाई है साहब के खिलाफ, यू नो. और क्यों एक औरत इतना जुल्म सहने के बावजूद कहेगी कि यार कि तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं, अगर तू इतनी जल्दी मुझे तलाक देनी थी तो मैं 20 साल तेरे जूते ना खाती रहती. एग्जैक्टली. तो वही बात है ना कि that's the power of the nikah and the marriage. That's the power of that institution that is marriage, that you know you don't just step out of it. And rightly so, in a lot of scenarios and circumstances it should be that way ki yaar ke aapka ek ye relationship hai usko bachane ki had darja koshish ki jati hai, lekin there are exceptions. Cases where somebody is a victim of domestic violence, absolutely. Cases where somebody is a victim of sexual assault, cases where somebody अगर फिजिकली उनको नहीं हो रहा बट मेंटली अगर कोई किसी उनको स्ट्रेस दी जा रही है, मेंटली असॉल्ट किया जा रहा है, मेंटली उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको डिप्रेशन की तरफ धकेल देना चाहिए, तो ये सारे वो साइंस होते हैं जहां पे आपको ये बातें रियलाइज करनी है कि चाहे जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो शादी, बट अगेन आपके रिलीजन ने भी, आपकी सोसाइटी ने भी, आपके लॉ ने भी, हर तरह के कानून ने हर तरह की इजाजत दी है कि आप अपने आप को उस रिलेशनशिप से बाहर लेके आए. ऑफ कोर्स. तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन है इस ड्रामे. सो एक्सीलेंट राइटिंग एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस. परफॉर्मेंसेस बहुत कमाल थी फ्रॉम रफीक अली टू मकसूद साहब. यार इकरा की हर बार हम टू इकरा, इकरा का जो चीकीनेस था और आंखें घुमाना और वो वाज ब्रिलियंट, बड़ा मेजर्ड था सब कुछ. Measured, absolutely. मेरे ख्याल में इकरा ने एक बड़ा कंप्लीट जस्टिस किया मीरा के कैरेक्टर को. एवरीबॉडी, अब आप इंशा की बात करें, हाजरा की बात करें, सकीना की बात करें, एंड ऑफ कोर्स ऑल द एक्टर्स बिहाइंड दीज कैरेक्टर्स. मेरी फेवरेट हदीका जी, वो जो सीन थे यार रफीक अली के साथ, भूरी वाला यार वो. हाँ. क्या यार उन्होंने एक्टिंग की है यार. ऑफ कोर्स बीइंग हर कॉन्फिडेंट कि वो घंटों भूरी के साथ बैठ के बातें, क्या एक्टिंग की है यार. वो दिल की बातें तो भूरी से करती थी ना. आप एक सेकंड के लिए सोचे कि आपने, आप तो खैर यू आर अ पेट पर्सन, बट यूनो को ना मारना. नहीं यूनो को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक सेकंड के लिए बंदा अज्यूम करे कि कोई फिक्शनल आपकी भैंस है और वो फिक्शनल भैंस मर गई और उसके ऊपर आपने रिएक्ट करना है. हाँ. ये मैं आपको नई एक्सरसाइज दे रहा हूँ जैसे मैंने उस दिन साहिल के साथ. अगर आपने एक्टिंग करनी है तो. बट आप सोचे एक सेकंड, आप करके देखें, आप वो इमोशन फील कर पाएंगे एक फिक्शनल पेट के लिए. And I don't know if Hadika ji is a pet person or not. You could also think of a real tragedy and cry. No, but yeah. At the end of the day, she's talking about her animal, yeah. Her pet animal. But yeah, it all gelled together so well. And there were important dynamics in the kitchen. Hajra is cutting the guavas. Ameera is eating the guavas. And, you know, Sakina is serving them.
वो एक बड़ी औरतों की डायनामिक बनी है, मर्दों की डायनामिक अलग बन रही है, रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लिकेटेड, समझ नहीं आ रही. देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन बिटवीन इंशा एंड हाजरा जिसमें देयर इज एन एम्फसिस ऑन तुम्हारा बाप, अपने बाप की करो, बाप के लिए जाओ, उसका फोन करो उसको. जहाँ से आपको पता चलता है कि क्या वाकई बाप है. अच्छा जी, अब आपने उस रग को हार्ड डाल दिया जो हमने पिछली बार डिस्कशन की जी. बार बार ये बात हो रही है कि ड्रामा जो जो भी इंसिडेंट हुआ आजरा और सकीना और मकसूद साहब की जिंदगी में, वो 20 साल पहले हुआ जी. 20 साल स्टोरी आगे बढ़ी है. उसी 20 सालों में कैसे जो हमारी बहन इंशा है वो डॉक्टर बन गई है, बिकॉज इंशा की उम्र 17 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद 2 साल मकसूद साहब जेल में भी रहे. नाउ लॉट ऑफ पीपल से दैट इंशा इज अडॉप्टेड. आई विल नॉट गो विद थ्योरी. योर थ्योरी व्हिच वे यू सेड के इंशा माइट बी हाजराज डॉटर फ्रॉम अ प्रीवियस मैरिज स्टिल मेक्स सम सेंस, इवन दो आई थिंक पर्सनली दिस इज जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर यू से 20 साल पुरानी बात है, एक्चुअली इट्स एक्चुअली 25 साल, 26 साल, 27 साल, व्हाटएवर. तो 20 साल कोई पत्थर पे लकीर वाले 20 साल नहीं है. It's just a reference to a time period. But it's I been think. saying 20 saal if you look at in this episode, a lot. Hain? 20 saal mein bahut emphasis hua hai. Hua hai. But again, agar Hajra adopted hoti, adopted, to Maksood sahab is not the kind of person who would be okay in adopting a child. I think so. Mujhe aisa lagta hai ki Maksood sahab ko jo hum itne arse se dekhte aa rahe hain, jis tarah se unka character build hua hai. He doesn't come across, उनको तो हाजरा से इतना अपनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों ओके होंगे कि मेरे घर में एक बच्चा ले आओ. और एग्जैक्टली यही वजह है कि वो 20 साल से जो बार बार इंशा कह दी कि आप अलग कमरों में सो रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस कि जब वो हाइट ऑफ हिज प्यार और इश्क विद सकीना जब वो जेल से निकले थे उस वक्त उन्होंने हाजरा के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप कायम की हो. इट आई मीन ओवर द ईयर्स अगर हो गई हो तो फिर भी सेंस बनती है, लेकिन उस वक्त करनी जब वो बिल्कुल एवरीथिंग वाज रॉ एंड फ्रेश वो ज्यादा अनबिलीवेबल है कि उस वक्त उन्होंने की हो रिलेशनशिप कायम. दूसरी चीज ये कि मकसूद साहब की एक एक बात डायरी में लिखी हुई है, एक एक चीज, एक एक स्टोरी, एक एक बात हाजरा को भी पता है, इंशा को भी पता है, हाजरा को भी पता है, सकीना को भी पता है. ऐसा कैसे हो सकता है कि इंशा अगर अडॉप्टेड है तो ये बात मतलब इतनी सीक्रेटिव रखी हुई. इसका है कि हाजरा को भी पता हो, इंशा को भी पता हो, आपको ना पता हो, मुझे ना पता हो, क्या देखने वालों को ना पता हो, लेकिन उन दोनों को पता. No, Insha always reacts in a way that that person is her real father. I don't think so. I think so. I don't think so. I think so. I think that she reacts in a way that this person has shortchanged my mother. मेरे माँ को neglect किया है पूरी ज़िंदगी, उसके हकूक नहीं दिए. No, but how? It's just it would be way too complicated. Sure, but it's a possibility. It is a possibility. I think what you're saying is also a possibility. The likelihood is that this was just something that. What you're saying is also a possibility, because वो भी possibility है. दूसरा छोटा सा सीन था बिटवीन इंशा एंड अब्दुल रहमान, वो भी पता चल रहा है कि वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वो कहता है कि मैं तो किस तरह आऊँ कि तुम्हारा रिश्ता मांगूँ फटपटी पे चल के. तो वो शी ब्रेक्स अप विद हिम अपेरेंटली. बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने कहा कि पिछली बार हमने ये फैक्ट पॉइंट आउट नहीं किया कि अब्दुल इज यूजिंग इंशा जी, व्हिच आई थिंक ही इज. यस, मे बी ही इज, मे बी ही इज नॉट, वी डोंट नो. देयर इज नॉट enough clarity on it yet. Yes. For us to comment on this. Another important scene was, of course, Masood Saab with Maksood Saab in and the car. And can I say Salman Shahid Saab? ये वो जो हम बात कर रहे थे ना कि जब आपने पंजाबी भी बोलनी है और उर्दू भी बोलनी है, राइट अमाउंट ऑफ पंजाबी, राइट अमाउंट ऑफ उर्दू. बट वो है ना, फिर उनको दोनों चीजें बोलनी. एंड द ट्रांजिशन फ्रॉम पंजाबी टू उर्दू एंड ट्रांजिशन फ्रॉम उर्दू टू पंजाबी, सीमलेस, फ्लॉलेस. क्या बात, वो कहते हैं कि वो करना था, मैं भूल गया, फिर आराम से, मसला कोई नहीं, आपने थोड़ा सा वो जो पावर डायनामिक है उसका भी झलक दिखाई कि कैसे होता है जब आप एक पावरफुल तबके को बिलोंग करते हैं तो कैसे एफआईआर खत्म कराना, क्या कोई बड़ी बात, मसला कोई नहीं है, मसला ही नहीं. पहले नहीं करा सके थे, पहले नहीं पावर में नहीं थे, पावर इतनी पावर नहीं. हाँ, हाँ, हाँ. So, excellent writing, excellent performances, barring this little thing about the Insha Maksood saab dynamic जो हमें नहीं आ रही, but probably we're reading too much into it, probably we're not, we don't know. There's only one way to find out, and that's still there are questions to be asked. I mean, Hajra का समझ आ गया है कि she's just grateful कि इस बंदे ने मेरे से शादी की, मुझे छत दी, इज्जत दी. क्यों? क्या मैं उस वक्त एक
और बच्ची के साथ तन तनहा जा रही थी. क्या वजह बनी उस यकतरफा प्यार की भी कि वो और उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा. बिल्कुल ऐसा क्या किया मकसूद साहब? कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो कि आगे क्या होगा इस किरदार के साथ. और मुझे हर बार याद आता है बीगुल ने मेरे इंटरव्यू में कहा था ये तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कहानी है. I mean, वो जो रिक्शे से रफीक अली निकलता है तो मुर्गी के कैकल की आवाज आती है थैले में से, वो समझ आती है ये क्या है. और फिर अमीरा खेल रही होती है 5 मुर्गियों के साथ बैठी हुई. तो यू नो इट्स जस्ट द थिंग्स एड अप वेल डायरेक्टेड. कंसिस्टेंसी इश्यूज नहीं है, कैरेक्टर्स जो है वो समझ आते हैं. तो काशी भाई की पूरी टीम है जो देख रही होती है. एग्जैक्टली, बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, जबरदस्त बात है. और मैं जैसे हर बार हर हफ्ते कहता हूँ कि अगर आप रकीब से नहीं देख रहे तो आप यू आर मिसिंग आउट ऑन ग्रेट कॉन्टेंट. प्लीज अपनी लिस्ट में ऐड करें. तो आपका क्या प्रेडिक्शन है कि अब निकाह होगा इनका कि नहीं? मुझे विद रकीब से आई कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग. नहीं अब आप प्रेडिक्शन तो दे ना, क्या लगता क्या आपको, आपका दिल क्या है कि हो कि ना हो? दिल तो ये कि हो और फिर हम देखेंगे क्या होता है इन सब की जिंदगियों में. बट मेरा नहीं ख्याल होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि द राइटर वुडंट सेटल फॉर सकीना टू बिकम मकसूद साहब वाइफ एंड यू नो एक मुसीबत से निकल के एक और. वो कौन सा डायलॉग था जिसमें उसने कहा कि लेकिन तुम नहीं गए ना वापस? लोगों का ख्याल था कि जेल से निकल के ये जाएगा और निकाह करेगा सकीना के साथ, लेकिन वो नहीं गया. वो क्या डायलॉग तो याद कराएं? फैज अली ने, क्या नाम इसका, रफीक अली ने कहा था कि आप आओगे घोड़ा, आप घोड़े पे आओगे लेकिन आपके पास तो घोड़ा ही नहीं है. मेरे को भी नहीं है घोड़ा क्योंकि गर्दन से घोड़े से पूछने वाली बात है ना कि क्यों नहीं आया उस वक्त, क्यों नहीं मकसूद साहब गए सकीना के पीछे? खूबसूरत लेयर्स हैं. वो जैसे जैसे लेयर हटती जा रही है हमें बहुत मजा आ रहा है. मैं कुछ उसमें घिर गई हूँ. क्या खूबसूरती के साथ. और जब हम खूबसूरत चीजों की बात कर रहे हैं, घिरने वाला ड्रामा, तो हम दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात करते हुए सबसे पहले एक बहुत बड़ी यमुना जैदी को ऐसा कैसे हो सकता है ना दें. Absolutely. और साथ ही साथ मैं तो इस बार काशिफ भाई को भी और आमना मुफ्ती. यार आमना, कल मैं ये ड्रामा देख रहा था, मैं सोच रहा था कि एक पापी उस छोटी बच्ची बुनीता को भी दे दें. बुनीता, मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची होती और उसका ये सादून एवरी नवीद शहजाद फैज चौहान हु इज प्लेइंग मजीद. Every single person in that drama is so good. And I was thinking to myself, अगले award season में अगर आप सारे awards दिल ना उम्मीद तो नहीं को दे दें तो ये इसमें कोई खराबी नहीं होगी. कुछ, कुछ रकीब से के लिए भी रख लें. हाँ, but दिल ना उम्मीद तो नहीं आमना is just on it, another it, level. It, and it, I was thinking that all these people and we know so many of them are friends. मुझे वो वॉचेज पाकिस्तानी ड्रामाज यार, क्या पुराना कंटेंट. और आज के नए बच्चे बच्चियां जो के कहते हैं कि यार हमें नेटफ्लिक्स देखना है, हमें अमेजोन प्राइम देखना है, फ्लांड मार्क देखना है, यार आप लोग दिल ना उम्मीद तो नहीं देखें, आप लोग देखें. इट्स सो अनफॉर्चुनेट 3.5 लाख व्यूज थे जब मैं देख रहा था मंडे को किसता ये और बुध को 4 दिन. अच्छा, लेकिन सब्जेक्ट से ना बिल्कुल भी हटे, वो ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जितना इफेक्टिवली इन दो बच्चों की कहानी बताई है और जिस तरह वो ट्रैफिक हो रहे हैं, जिस तरीके से जमशेद को लेके आए फ्रॉम द विलेज टू द सिटी, वहाँ से उसके दोस्तों ने उसको अबैंडन किया, किस तरह वो इन बेगर पेडलर्स के हाथ चढ़ा और अब जुवेनाइल जेल पहुँच गया है और वहाँ पे भी वो जो है. आप जाती करें, आप उधर चली गई, आप अल्लाह रखी पे नहीं आई पहले, क्योंकि अल्लाह रखी की जो हमने शुरू होती है उससे, जो अल्लाह रखी की हमने जो स्टोरी देखी है मेरे ख्याल में इस बार अगर. और उसके बाद जुनेद के साथ साथ जो ऑफकोर्स अल्लाह रखी की पैरेलल है ना दोनों कहानियाँ, उसकी जो कहानी चल रही है. बहुत कम ऐसा होता, आप मुझे कहती हैं कि आपकी आंखों में बताती हैं आंसू आ जाते हैं, मेरी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे वो सीन देखते हुए जब अल्लाह रखी दुल्हन बन के जा रही होती है.
तौफीक के साथ. ऑफ कोर्स. और जो वो कहती है दादी तो बीमार है, इसकी टांग टूट गई है, इसको मजीदे को सख्ता लगा हुआ, ये बोल नहीं रहा, बेटे जो हैं दोनों वो अपने उसमें लगे हुए, वो अभी उस उम्र को नहीं पहुंचे, उम्र को नहीं पहुंचे, मैं ही बात करूंगी सारी. एंड ऑफ कोर्स शी डज, शी स्विंडल्स चार चूड़ियों के लिए, 6 तोले और एक भैंस और एक एक मज, इसके लिए वो अपनी बच्ची को बेच देती है. दैट एंटायर सीन वेयर फैज चौहान अगेन हु इज प्लेइंग मजीद, जब वो मिलते हैं उससे, जिस तरह से वो रो रहे हैं, जो एंटायर क्या खूबसूरत अदाकारी की है यार, दिस लिटिल गर्ल क्या द मदर, आंखें उधर करके, शी इज नॉट एबल टू वॉच, she can't watch her little girl dressed as a bride and going away with with a man. It was so powerful, so impactful, and I just have no words. मैं इस ड्रामे की तारीफ में क्या कहूँ, कितनी. एंड देन फिर वो जो पहुंचा, जो सीन वहां पे, वो लड़की पहुंचती है, चिलिंग, नवीद शहजाद का कैरेक्टर, जब उसको अपने विंग्स, किस तरह से उसको उन्होंने ब्रेन वॉश आहिस्ता आहिस्ता किया, कैसा रवैया इख्तियार किया, टीके लगाए उसको, कैसे उसको. और फिर एक वो सीन है वेयर यू सी के कोई कमरे में आया है, जब ऑब्वियसली उसके साथ पहला ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसने उस लड़की के साथ हुआ है. और फिर आप वो ट्रांजिशन देखें जैसे यमुना ने उसको परफॉर्म किया, आपको लगता है कि अल्लाह रखी बड़ी होके यमुना बन गई है यार. बिल्कुल, कोई इतना इतना जरा बराबर बाल बराबर कोई डिफरेंस नहीं है यमुना की परफॉर्मेंस में और उस बच्ची की परफॉर्मेंस में, हालांकि अलग अलग स्पेस, छोटा पॉटर्स क्ले का डायनासोर लेके फिर रही होती है. क्या खूबसूरत वो एक्टिंग की है यमुना ने यार. आई विश हसन ज्यादा लोग देख रहे होते हैं इसको. आई विश के सारा पाकिस्तान देख रहा होता इसे. आई विश के ये ट्रेंड कर रहा होता नंबर वन पे. आई विश जब हम उन ड्रामों की बात करते हैं जिनको पैमरा बैन करता है, हम उसके ऊपर हॉट बाइट करते हैं कि यार कि ये देखो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बकवासियात सारी दुनिया कर रही होती है इंक्लूडिंग अस. आई विश दैट देयर इज अ कन्वर्सेशन हैपनिंग अराउंड दिस ड्रामा. आई होप एंड विश कि यार कि ये ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करे, इंस्टा के ऊपर इसकी पोस्टें लगे, सब लगाए, नहीं कर रहा कोई. हम कितनी बात कर सकते हैं अपने रिव्यूज में बैठ के, कितनी बात करें. जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है सुंबुल की, जब वो कहती है सवेरा बाजी को कि मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो पूरा नरेट करती है, रिकॉल करती है, अपना डायनासोर निकालती है. फिर जो वो झूमती है और उसने इतने बड़े बड़े घुंघरू पहने होते हैं अपने पाँव में, पास जेब ऊपर जेब, टूट भी जाती है, जिस तरीके से वो रो रही होती है, इट वॉज, यू डोंट फॉर अ सेकेंड थिंक कि ये कैरेक्टर, ये यमुना का जो ये एक्टर है, इसने कभी कोई और कैरेक्टर किया होगा. इट वॉज डिलीवर्ड सो वेल. आप एक सेकंड के लिए होती है सोच सकते हैं कि ये माजबीन है, इसको हमने माजबीन देखा. भूल ही गई थी मैं तो माजबीन को. आप भूल जाते हैं माजबीन. क्या ये माजबीन है ये लड़की? एब्सोल्युटली. इतनी नॉन डिस्क्रिप्ट, इतनी डिशेवल्ड, कोई मेकअप नहीं, नेल पॉलिश भी चिप हुई हुई, ये नहीं कि परफेक्ट नेल्स और परफेक्ट मेक, सो रियल. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड एक्टेड सो वेल. एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. और अब जो कह रही है कि मैं दुनिया में कुछ करने आई हूँ और साथ वो नाचना शुरू कर देती है, इज शी बीइंग सार्कास्टिक अबाउट हरसेल्फ कि मैं ये करने आई थी, और इज शी गोइंग टू डू समथिंग? आई डोंट नो. बट या, इट्स वेरी ग्रिपिंग. इट्स ऑब्वियसली वेरी डार्क एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग, बट दैट इज द पर्पस. मतलब आपका नहीं दिल टूट रहा जमशेद को देख के. इट्स डार्क बट इट्स इफेक्टिव. आमना, इट्स वेरी 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 इफेक्टिव एंड इंपैक्टफुल. दिस इज हाउ डार्क ड्रामास शुड आर सपोज्ड टू बी और शुड बी. इट्स इंपैक्टफुल यार. It sends chills down your spine. इतना वो effective है. आप लोग पता नहीं देख रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि अब हीरो की एंट्री हो जाए. हीरो की एंट्री हो जाएगी, अभी जल्द होगी, जल्द होगी. हीरो की एंट्री हो जाए ना, कि इसमें कोई गुंजाइश है हीरो हीरोइन के प्यार मोहब्बत की, लेकिन फिर भी कोई रिलीफ आनी चाहिए. क्या नाम है उसका? रांझा बाबा. क्या बाबा? बाबा रांझा. हाँ. बाबा रांझा देखता कहता नहीं पड़े रहे 2 महीने जेल में इसको. इसको कदर हो बाबा रांझा की. All of this is not happening in our society. Of course it's happening. Of course it's happening. Child brides नहीं हो रही हमारे सोसाइटी में. छोटे बच्चों को नहीं अगवा किया जा रहा. छोटे बच्चों को नहीं अगवा किया जा रहा. उनसे बेगरी कराई जा रही. जब आपको ये दिखा रहे हैं और इफेक्टिव तरीके से दिखा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. Absolutely. आप देखें और अप्रिशिएट करें प्लीज. अगर आप लोग नहीं देख रहे तो जरूर देखें. दिल ना देखें. Big shout out to all the actors, the director, the entire team, every single person associated with Dil Na Umeed To Nahi. And a shout out to Kash Foundation for actually putting effort into making these dramas and, you know, producing them. No, we should all be very thankful to Kash Foundation. Absolutely. पहले उन्होंने वो डायरी बनाया. बिल्कुल. अब वो दिल ना उम्मीद तो नहीं बनाया. इस तरह का कॉन्टेंट जरूरी है भाई. बिल्कुल जरूरी है. इस तरह का कॉन्टेंट जो कि
एक तो देखें, एक तो वो सोशली रेलेवेंट कितना है और ऊपर से इतना वेल एग्जीक्यूटेड है. एक्सीलेंट, वेल डन कश फाउंडेशन, वेल डन. बिल्कुल. ऑन दैट नोट जी आमना, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, काफी हो गया मेरे मेरे ख्याल में, काफी हो गया. और हम थोड़ा इमोशंस में भी बह गए, बट जरूरी था. आप लोगों के फीडबैक का हमें इंतजार है. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मुस्लिम हमारे हैंडल चला दें. आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का आपको इसलिए कहता हूँ कि जब भी हम किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे तस्वीर लगाते हैं. तो आपको नई वीडियोस, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले इंस्टाग्राम से मिल जाएगी. और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं भी किया हुआ, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन पे हिट किया हुआ. और हो सकता है कि आपकी ये पूरी स्पीच में आपका कैमरा हल्का सा हिल रहा हो, क्योंकि जूनो जो है नीचे कैमरे के बैठ के ट्राइपॉड को हिला रहा है. जी, ये अगर हो रहा है तो इसका रिस्पॉन्सिबल जूनो है, जो कि कोई बात नहीं, जूनो को भी साथ खून माफ है. हाँ जी. संडे को होपफुली इंशाल्लाह आप लोग एक बड़ा इंटरव्यू देखेंगे. वो हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए भी आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे देख लें. और फिर उसके बाद ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप आमना का एक बड़ा इंटरव्यू देखेंगे. जी, वो भी नहीं, वो अभी आपको नहीं पता, उसके लिए कल आप आमना को जाके इंस्टाग्राम पे देखिएगा, तो आपको उसकी भी कॉन्फर्मेशन आ जाएगी. ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद हॉट रिव्यू. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.